आपको उलमाए उम्मत से बेजार किया जा रहा है, मिल्ली कयादतों से आपको दूर करने की कोशिश हो रही है। अरे कौन आएगा रहबरी करने के लिए? यही तो वो तबका है जो रात और दिन सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं, अपने बच्चों के खुर्द और नोश का, उनकी तालीम और तदरीस का नज्म और नस्क करने ही के लिए नहीं, बल्कि वो तो मिल्लत के एक एक फर्द के लिए अपने दिल के अंदर एक तड़प रखता है। और ये तड़प उसे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र और सोच से मिली हुई है। हुजूर ने उलमाए किराम के बारे में इरशाद फरमाया है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वारिसीन हैं। और अंबियाए किराम वरासत में दराहिम दनानीर सर और जायदाद छोड़ करके नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपना इल्म, इल्म इलाही जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगंबरों पर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर आता है, वो उसका वारिस इन उलमा को बना करके जाते हैं। जो शख्स इस वरासत को थाम लेता है, हासिल कर लेता है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो इंसानी समाज का सबसे बुलंद आदमी बन जाता है, वो मेयारी आदमी बन जाता है। अगर अपनी जिंदगी को मेयारी बनाना है तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा पर, आपके तरीके पर आना होगा, आपकी सीरत और सुन्नत का अमली मुजाहरा करना होगा। और ये चीज आज आपको कहां मैसर आती है? इन्हीं मेरे दोस्तों टूटी हुई चटाइयों पर बैठ करके काल अल्लाह और काल रसूल की बुलंद सदाएं बुलंद करने वाले उलमा ही तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों उस पैगाम को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए अगर आपके बीच में आज उलमाए उम्मत मौजूदा हालात और हालात हाजिरा में उलमा की, अइम्मा की, दानिशवरान कौम और मिल्लत की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आ रहे हैं, तो आप तमाम हजरात दिल के कान से सुनिए और अमल की नीयत से यहां से उठ करके जाइए। और जो कुछ भी लानतें हमारे समाज के अंदर आज पैदा हो गई हैं, पूरी पामर्दी के साथ उन्हें ख़त्म करने का बेड़ा उठाइए। अपने मिल्लत के नौजवानों को आप राह रास्त पर लाने के लिए उन्हें नमाजी बनाइए। उन्हें रमजानुल मुबारक आता है, हमारा नौजवान बिल्कुल खाता पीता फिरता और घूमता रहता है, उसे इस रुकने इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है। हमारा नौजवान साहिबे निसाब है और उस निसाब पर साल गुजरता है, इसके बावजूद जकात देने का उसे एहसास नहीं। हज उसके ऊपर इस्तेताअत की वजह से वाजिब और फर्ज है, लेकिन हज करने की और मशाइरे मुकद्दसा की ज़ियारत करने की, रोज़े रसूल तक पहुंचने की कोई तमन्ना और आरज़ू उसके दिल में नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम तो अपने हाथों से इस्लाम के पिलर को, उसकी बुनियादों को जिसके ऊपर इस छत को रखा गया है, ढाने की और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वजन बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।